हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है क़यामुद्दीन और आप देख रहे हैं सिटोक गोल्ड। फ्रेंड, ये वाली वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाकर के ये वाली वीडियो देख ले। फ्रेंड, इस वीडियो में मैंने पूरा फॉल सीलिंग का डिटेल में बताया है, वायरिंग कैसे होता है। फ्रेंड, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। फ्रेंड, हमारा पॉइंट का वायरिंग तो पूरा हो गया है, लाइट और फैन का वायरिंग पूरा हो गया है। अब इसमें हम लोग मेन लाइन का वायर डालेंगे। तो ये हमारा जो है, यहाँ पर स्विच बोर्ड लगेगा, तो इसमें हमको एक इन्वर्टर का पॉइंट देना है और अपना न्यूट्रल फेस अर्थिंग अलग से देना है। और यहाँ पर जो है हमारा खाली पावर प्लग चाहिए, यहाँ पर एक्स्ट्रा स्विच कुछ भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर खाली हमको न्यूट्रल फेस डालना है, अर्थिंग डालना है और इन्वर्टर का पॉइंट यहाँ पर नहीं देना है। और यहाँ पर भी जो है हमारा, ये हमारा लाइट और फैन का स्विच लगेगा यहाँ पर, तो इसमें हमको इन्वर्टर का पॉइंट भी डालना है और न्यूट्रल फेस अर्थिंग भी डालना है। फैन तो यहाँ पर देखिए फिटिंग हो गया। तो हम लोग जो है वायर जो है ऑलरेडी काट चुके हैं, यहाँ से एमसीबी बॉक्स में जो जाएगा वायर, तो हम लोग पूरा मेजरमेंट करके काट चुके हैं। आप यहाँ फ्लोर में देख सकते हैं, ये येलो वाला वायर जो है हमारा फेस आएगा इससे, और ये ब्लैक वाला वायर जो है इससे हमारा न्यूट्रल आएगा। और फ्रेंड, ये जो है रेड वाला वायर है, ये 0.75 स्क्वायर एम का है। ये इसमें असल में क्या है कि हम लोग इसको अर्थिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, मगर ग्रीन वायर नहीं था जिसके वजह से हम लोग जो है इसको जो है रेड यूज़ कर रहे हैं। और ये ब्लू वाला जो देख सकते हैं फ्रेंड, इसको हम लोग इन्वर्टर के लिए डाल रहे हैं। तो ऐसे देखिए, हम लोग दो हम लोग को यहाँ पर इन्वर्टर का पॉइंट चाहिए, तो एक तो यहाँ पर है हमारा इन्वर्टर के लिए, और सेम चीज़ देखिए एक इधर में भी है। ये हमारा न्यूट्रल फेस अर्थिंग और एक एक्स्ट्रा ब्लू वाला इन्वर्टर के लिए है, देखो। और ये वाला वायर जो देख सकते हैं फ्रेंड, इसमें खाली न्यूट्रल फेस और अर्थिंग है, इसमें इन्वर्टर का पॉइंट कुछ नहीं है। फ्रेंड, इसको हमने जो है पूरा यहाँ से अपना जहाँ पर हमारा लग रहा है बोर्ड, वहाँ से मेजरमेंट करके फ्लोर से अभी हम लोग काट के मेजरमेंट कर लिए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर पूरा यहाँ तक। यहाँ पर हमारा देखिए ये डीबी बॉक्स लगा हुआ है, अभी हम इसको सीलिंग से लेके आएंगे सब वायर को, अभी हमने पाइप नहीं लगाया सीलिंग में। यहाँ ऑलरेडी पहले से भी हम लोग का पॉइंट आया हुआ, मेन लाइन का पॉइंट आया हुआ है जो है, और लेफ्ट साइड में जो बोर्ड लगा है। ठीक है फ्रेंड, अभी इसमें हम पहले पाइप डालेंगे और पाइप से जो है स्ट्रेट यहाँ से एंड तक में हमारा पूरा वायर चला जाएगा सीलिंग के अंदर से। ये हमारा पाइप है, ये 25 mm स्क्वायर एम का है और ये 20 स्क्वायर एम का ये, तो अभी हम लोग इसको 25 स्क्वायर एम में ये सब को लेके जाएंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, अब हम पाइप लगाते हैं पहले, उसके बाद जो है हम वायर डालेंगे। फ्रेंड, तीनों वायर एक संग में करके इसको हम टेप मार देंगे फ्रेंड पहले हम, ठीक है फ्रेंड, और फिर तीनों वायर को एक संग में ही पाइप में पाइप हम लोग डाल दिए सीलिंग में। पूरा हमारा यहाँ से होता है कि पूरा एकदम लास्ट तक हम लोग डाल दिए हैं, एकदम डीबी बॉक्स तक। अब यहाँ से वायर डालेंगे हम, ठीक है फ्रेंड, और हमारा वहाँ निकल जाएगा फ्रेंड। फ्रेंड, यहाँ तक हमारा वायर निकल गया, अब यहाँ से आगे डालेंगे फ्रेंड, तो यहाँ हमारा डीबी बॉक्स में आ जाएगा फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, हमारा वायर यहाँ तक निकल चुका है। देखिए फ्रेंड, यहाँ तक हमारा वायर निकल चुका है, यहाँ से हमारा डायरेक्ट स्ट्रेट उस वाले वाल में आ गया फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारा आ गया, इसमें हमारा तीन सर्किट है फ्रेंड, तो तीनों में फ्रेंड एक तो इस वाले में आएगा फ्रेंड, और एक तो हमारा इसमें आ जाएगा फ्रेंड, और एक तो फ्रेंड हमारा इस वाले में आ जाएगा फ्रेंड। तीनों को यहीं से हम लोग डिवाइड कर देंगे जंक्शन बोर्ड लगाकर फ्रेंड।
और फ्रेंड ये सब भी हमारा सर्किट यहाँ से हम लोग डाले हैं, जैसे ये देख सकते हैं इसमें हमारा 4 स्क्वायर एमएम का वायर है और 1.5 एमएम का वायर है। तो 4 स्क्वायर एमएम का हम लोग का एसी का है और 1.5 का हम लोग को इसका पावर सर्किट का है और ये वाला वायर जो है हमारा इंटरनेट का है। तो ये फ्रेंड ये सब भी वायर जो है ऐसे यहाँ से जाके यहाँ से इस पाइप से जो है डायरेक्ट वहाँ पर डीबी बॉक्स में फ्रेंड ये सब वायर निकला है, देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइन से वाल में सब डाला हुआ फ्रेंड, इसको भी इसी हिसाब से फ्रेंड हम लोग डाले हैं। इस वाले पाइप से होकर के फ्रेंड डायरेक्ट हमारा यहाँ पर आ गया फ्रेंड, और फिर यहाँ ही से फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारा जो है जैसे कि ये जो रेड वाला वायर है फ्रेंड ये हमारा लाइट ऑफ 10 का है और ये येलो और ब्लैक वाला फ्रेंड जो है हमारा एसी का मेन लाइन है और इस पावर बोर्ड का मेन लाइन है और इन्वर्टर का पॉइंट है फ्रेंड। देखिए यहाँ पर फ्रेंड हमारा एसी का सॉकेट लगेगा ठीक है फ्रेंड, और वहाँ पर स्टार्टर लगेगा इस वाले बोर्ड पे, वहाँ से ऑन करेंगे तो यहाँ पर पावर आएगा तो हमारा एसी ऑन हो जाएगा फ्रेंड। जैसे ये वाला वायर जो आप देख सकते हैं ये वायर जो है हमारा यहाँ से होकर के हमारा उस वाले सॉकेट में गया फ्रेंड। ऐसे फ्रेंड सेम चीज़ जो है यहाँ पर भी है, यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड ये हमारा जो है ये वाला वायर हमारा लाइट और फैन का है जो कि यहाँ पर उसका स्विच लगेगा इस वाले बोर्ड में, और इसमें फ्रेंड जो जैसे ये येलो वाला वायर जो है एसी के लिए आया हुआ है ठीक है, और ये ब्लैक वाला वायर जो 4 एम का ये एसी कनेक्टर है, और ये ग्रीन वाला जो है अर्थ का वायर है, और ये ब्लू वाला वायर दो ठो है। तो इसमें एक ठो जो है हम लोग का मेन इलेक्ट्रिक लाइन आ रहा है और एक ठो से इन्वर्टर का लाइन आ रहा है फ्रेंड, और एसी का जो है हम लोग का सॉकेट फ्रेंड यहाँ पर हम लोग का एसी का सॉकेट लगेगा और यहाँ पर स्टार्टर लगेगा। इसका वायर अभी इस तरह हम लोग डाले नहीं है, जब पाइप लग जाएगा फ्रेंड तो पाइप के अंदर से हम लोग इसको वायर को ऊपर कर देंगे फ्रेंड, और इसका न्यूट्रल जो हमको इसी बोर्ड से ये ब्लैक वाला वायर जो आ रहा है 4 एम का ये वाला इसी से हमको सॉकेट में न्यूट्रल दे देंगे फ्रेंड, तो हमारा इसमें सर्किट कम्प्लीट हो जाएगा फ्रेंड। फ्रेंड इसमें भी सेम चीज़ है, हम लोग डायरेक्ट डीबी बॉक्स से जो है वायर है ये देख सकते हैं, ये येलो टेप मार्क हम लोग रखे हैं मार्किंग करके, ये वाला वायर जो है हम लोग का उधर जो है एमसीबी बॉक्स से डायरेक्ट यहाँ पर आया है हमारा ठीक है फ्रेंड, और फिर यहाँ पर हमारा स्टार्टर लगेगा और स्टार्टर से होकर के फिर इस वाले वायर में लाइन जाएगा रिटर्न, तो ये वाला वायर जो है ऐसे इधर से जा करके हमारा वहाँ पर आ गया, वहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में सॉकेट का वायर हम डाल चुके हैं, यहाँ पर सॉकेट लग जाएगा हमारा एसी का, तो वहाँ से ऑन करेंगे तो यहाँ पावर आ जाएगा तो हमारा एसी ऑन हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड। फ्रेंड सेम चीज़ यहाँ पर भी है, यहाँ पर देखिए एसी का सॉकेट लगेगा फ्रेंड, ये वाला वायर जो है हमारा डायरेक्ट इधर से सीलिंग के अंदर से इस वाले पाइप से होकर के हमारा यहाँ पर निकला है, तो इसमें भी हम लोग मार्किंग करके रखे हैं फ्रेंड। इसमें एक येलो वायर हमारा एमसीबी से आ रहा है फ्रेंड ठीक है, और एक येलो वायर जो है हमारा ये जो है एसी का सॉकेट का वहाँ से आया हुआ है, तो हमारा एसी का स्टार्टर जो है हम लोग का यहीं पर लग जाएगा, यहाँ पर हम लोग का टेबल बनेगा, टेबल के अंदर बोर्ड लगेगा, उसी बोर्ड से हमारा एसी का स्टार्टर लगेगा और सॉकेट यहाँ लग जाएगा, यहाँ से ऑन करेंगे तो फ्रेंड वहाँ लाइन मिल जाएगा तो सर्किट कम्प्लीट हो जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड, फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो ना अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को डिसलाइक कर दे फ्रेंड, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड।